वेलकम टू द प्राइम अपडेट्स, जहां पे आपको दिन भर के इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्विक और सिंपल वे में दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 8 तारीख के राज्यसभा के स्पीच के बाद भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने कभी भी MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं उठाया, लेकिन हमें MSP पे एक लॉ चाहिए ताकि जो बिचौलिए हैं यानी ट्रेडर्स हैं वो किसानों को लूटना बंद करें। किसानों ने सरकार से अगली डेट की मांग की है जहां पे वो लोग आपस में बात करके निष्कर्ष पे आ सकें। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर बर्स्ट के कारण फ्लडिंग से अब तक 26 जाने जा चुकी हैं। सर्च एंड रेस्क्यू टीम के अकॉर्डिंग 24 से 48 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन और चलेगा। सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट के 1500 करोड़ रुपए के डैमेज होने का एस्टिमेट बताया है। IIT दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के एक रिसर्च टीम ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर कम कीमत में साफ हाइड्रोजन फ्यूल जनरेट करके दिखाया है। सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल प्रोसेस से वाटर को स्प्लिट करके कम कीमत में हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन किया है। Another great news for India is that India के 5 MBA colleges, the Financial Times Global MBA ranking के World's Top 100 MBA courses offering institutes में आ चुकी है। Indian School of Business 23rd rank पे, IIM Bangalore 35th, IIM Calcutta 44th rank पे, IIM Ahmedabad 48th and the last IIM Indore 94th rank पे। Defence Minister Mr. Rajnath Singh ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए एक बहुत ही अच्छी खबर दी है। उनके मुताबिक फ्रांस के साथ चल रहे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल जेट्स की डील के सारे 36 एयरक्राफ्ट अप्रैल 2022 तक इंडिया आ जाएंगे। अभी तक इंडिया के पास 11 रफाल एयरक्राफ्ट पहुंच चुकी है। ये डील 59,000 करोड़ रुपीस में हुई थी। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने मंडे को अनाउंस किया है कि इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लद्दाख में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अर्थ कोर से निकलने वाले हीट को यूज करके क्लीन एनर्जी जनरेट करेगी। ONGC का कहना है कि जियोथर्मल रिसोर्स के डेवलपमेंट से लद्दाख के फार्मिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आज भी लद्दाख में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाहर से मंगाए जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर लद्दाख। कोविड अपडेट्स, इंडिया में पिछले 24 घंटे में 9,110 न्यू केसेस कोविड के सामने आए हैं। 14,016 केसेस रिकवर हुए हैं। 78 डेथ केसेस भी सामने आए हैं अनफॉर्चुनेटली। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान को ओवर 500,000 यानी 5,00,000 से भी ज़्यादा कोविड वैक्सीन तोहफे के तौर पर भेंट किया है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अतमर ने ट्वीट करके भारत का शुक्रिया अदा किया। आज भारत के हर नागरिक को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज ना ही सिर्फ हमारा देश तकनीकी तौर पर दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, बल्कि आज ज़रूरतमंद देशों की मदद भी कर रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही सिंपल वे में क्विक और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें द प्राइम अपडेट्स बाय द आरावेरा चैनल को। जय हिंद।